Chennai. This session is co-hosted by NSTI Calicut. My name is Prasad. I am from NSTI Calicut, Kerala. I would request everybody to keep your mobiles in landscape mode and keep yourself mute. What you are seeing in the mobile, you will be seeing a small picture. What picture it is? It's a water tap. Okay. Somebody is starting or rotating the tap so that the flow of water can be controlled. It can be zero or it can be maximum, and the water can be set to the required conditions. Okay. Zyada bhi increase kar sakta hai aur kam bhi ho sakta hai. पानी का पावर. ओके, सो वाटर टैप हम यूज करता है सर. वाटर टैप ओके, इतना इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ओके, जरूर. इट इज अ वेरी कॉमन यूज. वी आर यूजिंग वाटर टैप टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर. द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम जीरो टू द मैक्सिमम कैन बी कंट्रोल्ड बाय सिंपली टर्निंग द टैप. ओके, बहुत आसान है. तो ऐसा कोई डिवाइस हमारा इलेक्ट्रिकल पे है, इलेक्ट्रिकल कंडीशन में है. हाँ, आपका आंसर ये है, यस इट इज देयर. ओके, इट इज राइट. देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस यूजिंग टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट. टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट वील बी हैविंग डिफरेंट यूजेस. व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज्ड इन टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट? It is generally all the time we used resistors. हम use किया था resistors. Okay, resistors use किया था. ज्यादा resistors तो current कम होगा. Okay, ऐसा Ohm's law के अनुसार. नहीं तो क्या होगा? आप coil कोई winding दिया तो उसका tapping से control करता है. Fan का speed control करने के लिए resistance use करता है. यानी we'll be using some tappings in the coil. Okay, so in the picture you are seeing some water tap used to control the flow of water or the flow power of water. Similarly, there are different items in electrical engineering to control the flow of current. In other terms, power flow. Okay, zyada current ho gaya to zyada power bhi ho sakta hai. To power control ke liye kuch bhi hai. To कन्वेंशनल मेथड और एक और बार बता देंगे, वो रेसिस्टेंस है. कन्वेंशनल मेथड तो रेसिस्टेंस है. ओके, तो रेसिस्टेंस के अलावा आपको जानकारी है ट्रांसिस्टर्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स में. ओके, ट्रांसिस्टर को तो कुछ पावर कंट्रोल करने के लिए कुछ दिक्कतें हैं. बस बड़ा हीट सिंक्स वगैरह जानता है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट्स आता है. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट्स तो क्या है? ज्यादा पावर कंट्रोल कर सकता है. So we will be able to control the flow of current, flow of power using some power electronic components. Power electronic components. I'll just retell the things. You are seeing a picture now on the figure, that is water tap controlling the flow of water, the strength of water flow. Similarly, electrical current also can be controlled by controlling something. Okay. कन्वर्शन मेथड ये था रेसिस्टेंस कंट्रोल करके. कम रेसिस्टेंस ज्यादा करंट. पावर कंट्रोल के लिए यूज किया था, आपको जानकारी है, फैन का स्पीड कंट्रोल. सीलिंग फैन का स्पीड कंट्रोल करने के लिए पुराने समय यह था रेगुलेटर, रेसिस्टेंस रेगुलेटर यूज करके. अभी ट्रांजिस्टर भी कर सकता है, लेकिन पावर आना है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट से. ऐसा ये कॉम्पोनेंट हम आज देखना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट. इसका नाम है सिलिकन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. सिलिकन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. So, वो किसके लिए? करंट कंट्रोल के लिए यूज करता है. उसके अलावा क्या है? यस, पावर आल्सो. पावर एंड करंट विल बी कंट्रोल्ड बाय दिस कंपोनेंट व्हिच इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. ओके, सो सिलिकन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. ये वर्ड में आपको ऑलमोस्ट जानकारी है. रेक्टिफायर आप सीखा है डायोड में, डायोड रेक्टिफायर. ओके, ऑलमोस्ट उसका तरह बताएंगे. और सिलिकन तो क्या है? यस, मेटीरियल. आप दो तरह का मेटीरियल यूज जानता होगा, सिलिकन और जर्मेनियम. जनरली SCR सिलिकन है ही होता है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है सिलिकन के लिए. ओके, सो सिलिकन वो यूज करता है.
तो नया वर्ड है इसमें कंट्रोल। कंट्रोल, ये कंट्रोल आपको जानकारी है कंट्रोल क्या है, लेकिन ये एससीआर में व्हाट इज कंट्रोल दैट विल बी डिस्कस टुडे। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी ए पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट एज वेल एज द पावर व्हिच इज वेरी मच यूजफुल इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। ओके, द रीजन टेक्नोलॉजी विल बी कमिंग विथ दिस कॉन्सेप्ट मे नॉट बी एससीआर बट द कॉन्सेप्ट विल बी सेम फॉर द पावर कंट्रोल। अभी पुराना पावर कंट्रोल पूरा स्टॉप कर दिया है, जैसा हमारा पुराना टाइप रेगुलेटर वगैरह रिमूव कर दिया है, वो एससीआर का होना नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यही होगा। ओके, हम देखेंगे एससीआर का वर्किंग कैसा है। तो ये एससीआर, ये पहले ही टॉपिक में देखे तो रेड कलर में लिखा है थायरिस्टर, बड़ा फैमिली है थायरिस्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में थायरिस्टर बहुत सारा मेंबर्स है, ये थायरिस्टर का फैमिली है, उसमें बहुत सारा मेंबर्स है, नाम दो तीन बताएंगे अभी, वो डायक ट्रायक एससीआर वगैरह। ओके, सो बहुत सारा और भी कॉमन है, वी विल बी टेलिंग टुडे अबाउट एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, विल बी टेलिंग लाइक दिस। सो यू विल बी सीइंग ए लेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ एससीआर इन द फिगर लेफ्ट मोस्ट, or symbol, symbol of SCR and a construction part, physical construction. So layer construction in the leftmost part, there are three terminals, anode, cathode, humko janta hai, naya wala hai gate, ek naya terminal bhi aaya hai, wo hai gate. Aur right side mein aap dekh sakta hai uska ek physical construction jaisa hai. Hum jayenge to silicon control rectifier ke zyada jankari abhi इंपॉर्टेंट जानकारी ऐसा है, वो पहला यूनि डायरेक्शनल है, एससीआर विल बी ए यूनि डायरेक्शनल कंडक्टिंग डिवाइस, द एससीआर इज ए यूनि डायरेक्शनल कंडक्टिंग डिवाइस, यू नो व्हाट इट इज, एक्चुअली इट विल बी कंडक्टिंग ओनली इन वन साइड, व्हाट इट इज लाइक अ डायोड, इट विल बी कंडक्टिंग ओनली इन वन साइड। ओके, आप डायोड यूज किया है एसी को डीसी बनाने के लिए, ठीक है, यस, एसी को डीसी बनाने के लिए एक ही डायरेक्शन में, डीसी तो डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है डायरेक्ट करंट, तो ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक ही डायरेक्शन में करंट को पास करेंगे। ओके, सिमिलर टू अवर रेक्टिफायर डायोड, और उसका लेयर्स, फोर लेयर्स है, देयर आर फोर लेयर्स, पी एन पी एन, आप देख सकते हैं देयर आर रिटन एज पी एन पी एन। सो डायोड हाउ मेनी लेयर्स है, डायोड हैव, यस इट इज टू, डायोड हैव टू लेयर्स, एससीआर विल बी हैविंग फोर लेयर्स, डायोड को पी एन होता है, ये पीएन पीएन बनाएगा एससीआर में, कितना टर्मिनल्स है, थ्री टर्मिनल्स, एनोड कैथोड एंड गेट। ओके, सो एनोड पी पे एंड कैथोड एन पे, ओके, इट इज बिकॉज इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड गेट यू कैन सी इट इज ऑन पी मटेरियल, पी मटेरियल में है गेट। ओके, सो हियर यू सीन द फिजिकल कंस्ट्रक्शन, इसका सिंबल एंड लेयर कंस्ट्रक्शन आल्सो, सो it will conduct only in one direction as in a diode. Okay, so it is otherwise known as rectifier, but it is controlled rectifier. We are going to see what is controlled, the word controlled will be seen. Before going deep into the detail, we are just seeing the physical features. Okay, aap jab koi SCR kharidna hai to uska bahut sara physical packages aisa hota hai, aap right side pe dekh sakta hai, uska naam TO5, TO220, TO200, stud type and different item, TO66. These are known as its physical features, physical construction type. Okay, okay, this is known as physical construction. Okay, so it is like this, and you'll be seeing actual conditions. And in some materials, in some items, you will be seeing the anode will be having the casing part in the leftmost part here. You will be seeing a stud. Physically a stud jaisa mount kiya hai. Okay, so this is the construction, and you'll be seeing cathode, anode, there are three terminals, cathode, anode and gate. Cathode upar dekhta hai, gate bhi dekhta hai, to cathode anode kidhar hai, anode uska case hi hai. Okay, so physically case generally anode ban sakta hai. Okay, some item it is easy to mount, it is known as press fit. So aap dekh sakta hai ऊपर में, ये इधर पे आने कैथोड हो सकता है, गेट हो सकता है, एंड फिजिकली दिस विल बी द एनोड, दैट इज द केस। ओके सर, अ डिफरेंट माउंटिंग स्ट्रक्चर लाइक प्लास्टिक मॉड्यूल, फिजिकली यू विल बी सीइंग प्लास्टिक मॉड्यूल लाइक दिस, एंड स्टड बेस
और प्रेस पैक, इट इज नोन एज प्रेस फिट, इजिली माउंटेबल, इट इज प्रेस फिट टाइप. ओके, सो दिस आर द फिजिकल कंडीशंस ऑफ FCR इफ यू आर सीइंग. एंड गोइंग टू द वर्किंग डिटेल, यू आर सीइंग अ रेक्टिफायर डायोड वर्किंग. दिस पार्ट यू ऑलरेडी नो. इफ यू नॉट नो, लेफ्ट साइड आप देखो इनपुट में. इनपुट में क्या है? इनपुट में एसी साइन वेव है. इनपुट में एसी साइन वेव है. ओके, आउटपुट में क्या है? आउटपुट में हाफ वेव ही है. ओके, सो दिस इज हैपनिंग इन ऑर्डिनरी रेक्टिफायर डायोड. सो दिस इज इनपुट, अ डायोड इज देयर, व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड इट विल बी रेक्टिफाइंग एंड गिविंग यू हाफ द वेव. दिस इज हैपनिंग. इसका मतलब क्या है? रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई करना का मीनिंग ये है निकाल देना. सो हाफ वेव के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल को निकाल देता है, रेक्टिफाई करता है, तो उसको बताता है क्या? रेक्टिफायर डायोड. ओके, सो हाफ वेव को निकाल देता है, वही हो गया रेक्टिफायर डायोड. ओके, तो डायोड कैसा ऑन करता है? फॉरवर्ड बायस किया तो डायोड ऑन होगा. फॉरवर्ड बायस किया, डायोड ऑन होगा, आपको जानकारी है. अभी SCR कैसे ऑन कर सकता है उसके बारे में बताता है. बहुत सारा मेथड है, लेकिन आज बताना चाहिए दो मेथड्स. ओके, अभी हम बताएंगे किसके बारे में? टर्निंग ऑन मेथड्स ऑफ SCR. टर्निंग ऑन मेथड्स मींस इट हैज टू बी टर्न्ड ऑन, टर्निंग ऑन एंड ऑफ. सो देयर आर टू मेथड्स. वन इज फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज ट्रिगरिंग. नाम इतना ही है, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज ट्रिगरिंग क्या है बताएंगे अभी. तो डायोड उसमें क्या था ऑन करने के लिए? फॉरवर्ड बायस किए तो ऑन होता है. SCR कैसे करता है? उसमें बहुत सारा मेथड है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स विल बी डिस्कस राइट नाउ. ओके, इट इज फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज ट्रिगरिंग, एंड नेक्स्ट इज गेट ट्रिगरिंग. गेट ट्रिगरिंग, ओके, ट्रिगरिंग तो क्या है? ट्रिगर, आपको जानकारी है ट्रिगर क्या है? ट्रिगर हमारा गन ना, गन फिंगर से, उंगली से बुलेट फायर करता है. किसके मदद से? ये ट्रिगर से, वो स्मॉल गन का जिसे जो हम प्रेस करता है, वही क्या? ट्रिगर. ट्रिगर का स्ट्रेंथ कितना चाहिए? और स्मॉल फिंगर इट इज रिक्वायर्ड, स्मॉल प्रेशर ओनली रिक्वायर्ड टू डू इट द ट्रिगरिंग. बट आप देखो बुलेट का इम्पैक्ट कितना होगा. बुलेट इतना खतरनाक है, कोई किसी आदमी को हिट किया तो वो मर भी जाएंगे. ठीक है, सो ट्रिगरिंग कम पावर का होता है, लेकिन पावर बहुत बड़ा पावर भी कंट्रोल कर सकता है. जैसा हमारा बंदूक में, जैसा हमारा गन में, इन द स्मॉल गन यू आर ट्रिगरिंग विद अ स्मॉल मेटल पार्ट, यू आर प्रेसिंग दैट इज नोन एज ट्रिगर. यू आर ट्रिगरिंग, प्रेसिंग दैट. आफ्टर प्रेसिंग यू आर टू गिव स्मॉल स्ट्रेंथ ओनली. बट यू कैन सी द बुलेट ऑफ हाई स्ट्रेंथ और high energy it is going out. Okay, so we can control like this, very high power with a small control power, very high power with a small control power, that is known as trigger can be done. So now we are going to see turning on methods of SCR again. Forward breakdown voltage and gate triggering. Okay, we shall go first forward breakdown voltage triggering ke bare mein. Okay, so forward biasing kya hai aapko jankari hai. So ye picture dekh lijiye, hum kya karna hai. To ये फोर लेयर डिवाइस में हम बताता है क्या? वी आर टेलिंग अबाउट फॉरवर्ड ट्रिगरिंग मेथड. अभी SCR ऑफ है, सोचो SCR आपके पास है, SCR आपके पास है, फोर लेयर है, थ्री टर्मिनल से, वो ऑफ है अभी. ओके, सो आपको वो ऑन करना है, SCR को ऑन करना है. उसका मेथड दो है. पहला मेथड बताता है अभी फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज ट्रिगरिंग. ओके, अभी आप क्या करना चाहता है? आप स्विच ऑन करना है. आप कैसे स्विच ऑन कर सकता है उसके बारे में बताता है बाद में, अभी. ओके, सो स्विच ऑन करने के बारे में बताता है. ध्यान लीजिए ऐसा, उसके लिए थ्री टर्मिनल से, क्या कितना टर्मिनल से? थ्री टर्मिनल. यू आर सीइंग थ्री टर्मिनल हियर, एनोड कैथोड एंड गेट. एनोड कैथोड एंड गेट, थ्री टर्मिनल आर द क्लियर. Anode will be connected to positive and cathode will be connected to negative. That is the forward biasing. Okay, and the important thing is gate here. Gate either open है, gate के लिए कोई circuit नहीं दिया है, कोई circuit नहीं दिया है, वो gate अभी open है. Okay,
इसी स्लाइड में आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द स्विचिंग ऑन ऑफ SCR. आपके पास एक SCR है, वो स्विच ऑन करना है, यानी उसमें करंट फ्लो करना है. वो कैसा होता है उसके बारे में आपको बताता है, ध्यान से देना. उसमें थ्री टर्मिनल्स है, एनोड कैथोड गेट. गेट अभी कोई यूज नहीं करता है, ओपन है. एनोड और कैथोड है, पॉजिटिव बायस और फॉरवर्ड बायस कैसे कर सकता है, एनोड टू पॉजिटिव, कैथोड टू नेगेटिव, ये दिया. ओके, अभी अभी क्या है उसमें, थ्री जंक्शन से J1, J2 एंड J3. देयर आर थ्री जंक्शन, J1, J2 एंड J3. J1, J2, J3 जंक्शन से जस्ट नाम देन जो है J1, J2, J3. ओके, तो इसमें मैं बता सकता है, आप देख लीजिए, जंक्शन J1 एंड J3, जंक्शन J1 एंड J3 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, विल बी फॉरवर्ड बायस्ड बिकॉज P gets plus and N gets negative. And J3 also, P gets positive and N gets negative. So, this junction J3 and J1, junction J3 and J1 will be forward biased. Okay, it will be forward biased. Clear? आपको forward bias जानता है, N को K देता है, negative को cathode देता है, और negative terminal, और P को पॉजिटिव दे देना, फॉरवर्ड बायस होगा. अभी कितना जंक्शन है उसमें, यस थ्री जंक्शन है. क्या क्या जंक्शन है, J1, J2 एंड J3. J1, J2, J3. अभी कैसा बायस होगा वो बताता है मैं. जंक्शन J1 सोचो, J1, जंक्शन J1 में P को पॉजिटिव मिला, N को लिए उधर उसी साइड से N नेगेटिव मिलता है, तो ये फॉरवर्ड बायस रहता है. क्लियर? और J3 में N को नेगेटिव मिलता है और P को दूसरा साइड से पॉजिटिव मिलता है, तो जंक्शन J3 एंड J1 अभी फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा. लेकिन जंक्शन J2 चेक कर दीजिए, जंक्शन J2 P विल बी हैविंग नेगेटिव, P नेगेटिव होगा और N पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए क्या बता सकता है, यस इट इज रिवर्स बायस्ड, इट इज रिवर्स बायस्ड. So, forward biased and reverse biasing of diode, आपको जानता है P पे positive और N पे negative आया तो forward bias बनता है. इधर ये SCR में junction J1 and junction J3 क्या होगा, forward biased होगा, और J2 क्या होगा, it will be reverse biased. Okay, now this is the condition. Okay, now what we are going to do, अभी हम क्या करना है, तो ये voltage ना, ये voltage हम increase करेंगे. डीसी वोल्टेज कितना नहीं बताया अभी तक, लेकिन क्या करता है तो जीरो से लेके हम इंक्रीज करते ही रहेगा. ओके, तो ये रहता है, अभी कुछ नहीं हो गया अभी तक, हम बताएंगे क्या होने वाला है उसमें. तो कनेक्शन बताया. ओके, सो हम बताता है क्या, SCR आपको ऑन करना है. ऑन करने के पहले मेथड क्या है, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज ट्रिगरिंग. उसको क्या किया, एनोड एंड कैथोड है, उसको सप्लाई देना है. दो जंक्शन J1 J3 फॉरवर्ड बायस रहेगा, जंक्शन J2 रिवर्स बायस रहेगा. गेट का कंडीशन क्या है, यस ओपन है. अभी क्या रहेगा आपको, अभी आपका डीसी वोल्टेज इंक्रीज करता है, वी आर इंक्रीजिंग द डीसी वोल्टेज. वो अभी मैं क्या करूंगा, तो वो एक ग्राफ में दिखाएगा, ग्राफ में दिखाएगा. यस, जंक्शन J2 अभी रिवर्स बायस है, यू आर राइट. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट फिगर. इट इज अ ग्राफ physically, and we can see what is happening here. Things are like this, voltage isi section mein dega voltage, and this is current. Okay, this is current, and x axis mein voltage rahega. Uska meaning kya hai, voltage increase karta hai aur current ka variation kaise hoga wo batana chahiye. Okay, hum kya batata hai abhi, ये वोल्टेज डीसी वोल्टेज स्लोली इंक्रीज करता है, स्लोली. उसमें करंट का इफेक्ट क्या होगा वो बताना है अभी. अभी वह बताएगा, वोल्टेज इंक्रीज करता है SCR के अक्रॉस, एनोड के कैथोड के अक्रॉस वोल्टेज. गेट ओपन रहता है, क्लियर? अभी क्या करता है हम, वी आर अब गिविंग द डीसी वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एंड गेट इज ओपन. गेट ओपन रहता है, एनोड एंड कैथोड में वोल्टेज जीरो से इंक्रीज करता है. वो वोल्टेज एक्स एक्सिस में देखा वी, और वाई एक्सिस में आई होता है. अभी क्या होगा हम बताएंगे. ये कुछ वोल्टेज तक,
कोई करंट नहीं फ्लो होगा, ओके कुछ वोल्टेज तक, उसको बताता है ब्रेक ओवर वोल्टेज, अप टू ब्रेक ओवर वोल्टेज, उसका नाम बता देंगे ब्रेक ओवर वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज तक कुछ नहीं करंट फ्लो हो जाएगा, कोई करंट इतना नहीं होगा उसमें, क्योंकि हमारा जंक्शन J2 रिवर्स बायस्ड है, हमारा जंक्शन J2 अभी रिवर्स बायस्ड है, जंक्शन J1 J3 फॉरवर्ड है लेकिन J3 रिवर्स बायस्ड है, सो वोल्टेज कम इंक्रीज करे तो भी क्या होता है वो कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि एक जंक्शन रिवर्स कंडीशन है, कंडक्ट नहीं करेगा, सो कुछ समय तक वो करंट नहीं कंडक्ट करता है, वो समय तक बताता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, वो स्टेट का नाम है। अभी क्या होता है, कोई करंट इतना आता है नहीं बताता है, वेरी वेरी स्मॉल करंट ओनली, लीकेज करंट और माइनॉरिटी कैरियर करंट बताता है, ओके अभी क्या करता है, आपके पास SCR है, थ्री टर्मिनल में गेट ओपन किया है, एनोड और कैथोड के अक्रॉस वोल्टेज धीरे से बढ़ता है, कोई करंट इतना नहीं आएगा उसमें जब तक ब्रेक ओवर वोल्टेज तक, वो उसी स्टेट को हम बताएंगे, करंट नहीं होता है तो करंट को ब्लॉक करता है, उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, सो इट इज नोन एज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, सो इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट द करंट विल बी वेरी वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर, ओके कितना एम्पियर रहेगा, वेरी 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 लेस, मिली एम्पियर में रहेगा, क्यों मिली एम्पियर आता है, क्योंकि रिवर्स बायस में आपको जानकारी होगा डायोड में कुछ माइनॉरिटी कैरियर करंट आएगा, उसके वजह से स्मॉल मिली एम्पियर करंट आता है, ओके तो क्या होता है, अभी आप वोल्टेज इंक्रीज करता है, SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में है, ओके एक ब्रेक ओवर वोल्टेज आने तक वो कंडक्ट नहीं करेगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज आने तक वो कंडक्ट नहीं रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग बताता है उसको, उसी समय होने वाला करंट को क्या बताएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग करंट, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग करंट, ओके सो करंट स्मॉल इंक्रीज विल बी देयर, जब वोल्टेज इंक्रीज करता है करंट भी स्मॉलली इंक्रीज करता है, लेकिन एक करंट आएगा, करंट का वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू आए तो, करंट का वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू आए तो, इफ द करंट इज रीचिंग लैचिंग करंट, उसका नाम है लैचिंग करंट, लैचिंग करंट, SCR का करंट लैचिंग करंट आ गया तो क्या होगा, SCR में हाई करंट हो जाएगा और उसको बताता है SCR ऑन होता है, SCR ऑन होता है, अभी क्या होता है, जंक्शन J2 रिवर्स बायस था लेकिन अभी ब्रेक डाउन हो गया, ओके वो डैमेज नहीं होता है फिर भी यूज करता है, फॉरवर्ड बायस में वो ब्रेक डाउन हो गया तो भी डैमेज नहीं होगा, रीयूज कर सकता है, ओके तो अभी क्या कर दिया, हम एनोड कैथोड में वोल्टेज इंक्रीज करके वो कहां पहुंच गया, लैचिंग करंट, जब करंट लैचिंग करंट पहुंच दिया, SCR ऑफ स्टेट से क्या हो गया, ऑन स्टेट है, तो हम बताएंगे अभी लैचिंग करंट क्या है, लैचिंग करंट क्या है, लैचिंग करंट ये है ऑफ स्टेट में होने वाला SCR को ऑन करने के लिए मिनिमम करंट, ओके SCR मिनिमम करंट है किसके लिए, SCR ऑफ स्टेट से ऑन करने के लिए, SCR ऑफ स्टेट से ऑन करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम करंट, उसको बताता है लैचिंग करंट, ओके तो हम क्या कर दिया, एनोड कैथोड का वोल्टेज इंक्रीज कर दिया, बहुत कम करंट था, वोल्टेज इंक्रीज करके ही रहा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज में एक पर्टिकुलर करंट मिला, वही लैचिंग करंट, लैचिंग करंट सफिशियंट है इसके लिए ऑन करने के लिए, तो द SCR विल बी टर्न्ड ऑन फ्रॉम द ऑफ स्टेट, ओके सो उसका नाम है लैचिंग करंट। अब क्या होता है, SCR में करंट फ्लो करता ही रहता है, एनोड से कैथोड तक फुल करंट आएगा, करंट फ्लो हो जाएगा, तो अभी क्या होगा, SCR पहले ऑफ स्टेट में था, अभी SCR ऑन हो गया, SCR ऑन होता हो गया, तो वोल्टेज इंक्रीज करके लैचिंग करंट आए तो आपका SCR ऑन होगा, तो इसको बताएंगे क्या, फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज ट्रिगरिंग, आपको मन में आया है क्यों ऐसा बताता है, क्योंकि फॉरवर्ड कंडीशन में है वो और ब्रेक ओवर वोल्टेज आ गया, उसको बताता है फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज ट्रिगरिंग, ओके सो लैचिंग करंट का नाम आपको मन में है क्या है वो भी बता दिया, क्या है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, ऑन स्टेट क्या है, ऑफ स्टेट क्या है, तो SCR अभी ऑन हो गया, SCR में कुछ करंट है, ओके अभी एक और बात भी बताना है मेरे को,
एससीआर का वोल्टेज बहुत कम होगा ऑन स्टेट में. आप देख लीजिए ये वोल्टेज एससीआर ऑन स्टेट में उसके अक्रॉस वोल्टेज बहुत कम होगा. एससीआर ऑन स्टेट में वोल्टेज उसके अक्रॉस बहुत कम होगा. आप देख सकता है एससीआर एक बार ऑन किए तो उसके अक्रॉस होने वाला वोल्टेज बहुत कम है, क्योंकि ये उसका जंक्शन रेसिस्टेंस से उसमें ड्रॉप होता है. जंक्शन है J1, J2, J3, उसमें कुछ रेसिस्टेंस रहेगा, वो रेसिस्टेंस जो है IR ड्रॉप होगा, उसमें ये ड्रॉप होता है, बहुत कम वोल्टेज होगा, मे बी 2-3 मे बी मैक्सिमम अप टू 5 वोल्ट, लाइक इट विल बी हैविंग स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप. ओके, सो हमने बताया लैचिंग करंट इज व्हाट, ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट तक. अभी एक और करंट का नाम बताना है मेरे को, होल्डिंग करंट. अभी सोचो SCR ऑन हो गया. अभी हमको बताना है क्या है होल्डिंग करंट. अभी SCR के वोल्टेज हम कम करता है, ओके, वोल्टेज कम करता है कोई मेथड से, वोल्टेज कम किया तो करंट कम होगा. अभी भारी करंट है, लेकिन सोचो करंट कम हो गया, लैचिंग करंट हो गया तो भी वो ऑन रहेगा. करंट कम हो गया तो लैचिंग करंट हो गया तो भी ऑन ही होता है, लेकिन व्हेन द करंट विल गो डाउन फर्दर नीचे जाता है, और उसका नाम है होल्डिंग करंट से भी नीचे जाता है, तो SCR का करंट होल्डिंग करंट से भी नीचे जाए तो उसको ऑफ कर सकता है. सो SCR ऑन स्टेट से ऑफ करने के लिए हमको क्या करना है, करंट होल्डिंग करंट से कम होना है. एक और बार बता देंगे, SCR आपको ऑन स्टेट से ऑफ करना है तो ये करंट का वैल्यू होल्डिंग करंट से भी कम होना चाहिए, तो वो करंट है होल्डिंग करंट. होल्डिंग करंट से कम हो गया तो ऑफ होगा. लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट के रिलेशन कैसा है, अभी लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से कुछ ज्यादा होगा, लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से कुछ ज्यादा होगा. ओके, सो ये हो गया फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज ट्रिगरिंग. सो हमने क्या कर दिया, आपके पास SCR है, SCR में एनोड और कैथोड के अक्रॉस आप सप्लाई दे दिया, सप्लाई ग्रेजुअली इंक्रीज कर दिया, एक पर्टिकुलर पोजीशन में वो ऑन हो गया. कौन पोजीशन में, लैचिंग करंट आ गया, उसके बाद क्या हो गया, ऑन हो गया. तो एक स्विच जैसा है हमारा मैकेनिकल स्विच ना, वो मैकेनिकल स्विच हो गया, ऑन हो गया तो स्विच के अक्रॉस वोल्टेज नहीं होगा हमको जानकारी. एक नॉर्मल स्विच ऑन किया तो उसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं रहेगा, स्मॉल वोल्टेज रहेगा, कैसे, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है. नॉर्मल स्विच ऑन कर दिया तो उसमें कोई वोल्टेज नहीं रहेगा, स्मॉल वोल्टेज रहेगा, क्योंकि स्विच के कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है. अभी SCR में सोचो, SCR एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच बनता है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, वोल्टेज बढ़े तो एक समय में ऑन होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच बना सकता है. तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, जंक्शन रेजिस्टेंस है. सो ये होता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR. उसका दो कीवर्ड्स आपने सुन लिया, लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट. अभी हम बताना चाहता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. पहले के जमाने में ही है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. ओनली डिफरेंस क्या है, कैथोड को पॉजिटिव दिया वही है क्या, रिवर्स बायस. कैथोड को पॉजिटिव दिया एंड एनोड को नेगेटिव दिया, एनोड को नेगेटिव दिया, उसको बताया कि क्या, रिवर्स बायस. आपका SCR में डायोड में ऐसा ही होता है ना, रिवर्स बायस. ये रिवर्स बायस में भी जंक्शन J2 J3 सभी है और गेट अभी भी ओपन है. ओके, हम क्या करना है, वोल्टेज जीरो से स्लोली इंक्रीज करना है, वो देखेंगे ये ग्राफ में. ओके, तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर समय तक क्या होता है, कोई करंट नहीं फ्लो होता है, तो करंट वोल्टेज बढ़ता है रिवर्स कंडीशन में. ये ऐसा क्यों दिया, ये रिवर्स बायस दिया तो हम नेगेटिव में देना है ग्राफ, तो नेगेटिव में आता है. कुछ समय तक कोई करंट नहीं फ्लो होता, उसको बताता है रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट. रिवर्स ब्लॉकिंग में बहुत माइनर करंट ही होता है, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर से कम रहेगा, माइक्रो एम्पियर. ओके, सो वेरी लेस करंट विल बी देयर, इट इज नोन एज लीकेज करंट. तो क्या है, हम रिवर्स बायस करता है SCR को, गेट में कोई सप्लाई नहीं देता है और वोल्टेज इंक्रीज करता है, ये स्टेट को क्या बताएंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग. ओके, अभी
एक पर्टिकुलर वोल्टेज आ गया तो क्या वोल्टेज रिवर्स ब्रेक और वोल्टेज आ गया तो करंट शार्पली इंक्रीजेस, माइक्रो एम्पीयर से वो बहुत भारी करंट आएगा, भारी करंट आएगा। रिवर्स कंडीशन में वोल्टेज रिवर्स ब्रेक और वोल्टेज आया तो भारी करंट होगा, उसको बताता है ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन। रिवर्स टाइप ब्रेकडाउन एक एसीआर में हो गया तो वो जनरली डैमेज होता है, ओके। रिवर्स में जनरली एसीआर नहीं यूज करता है, वो फिजिकली डैमेज होने का चांस है, ओके। सो दिस इज नोन एज रिवर्स बायसिंग ऑफ एसीआर, ओके। सो फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में आपने देखा, फॉरवर्ड बायस में दो कीवर्ड्स दैट इज लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट भी देखा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट जैसे रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट एंड रिवर्स करंट। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में ऑन हो गया तो भी फिजिकली डैमेज नहीं होगा, लेकिन जनरली रिवर्स में यूज किए तो वो एसीआर डैमेज होने का चांस है, जनरली रिवर्स में नहीं यूज करता है। ये दोनों कंबाइन किए तो ये बताएंगे क्या, यस आपको जानकारी है एसीआर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, एसीआर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, एसीआर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। नाउ पहले बात हो गया फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज ट्रिगरिंग, हम दो बात का दो स्विच ऑन करने का मेथड बताया था एसीआर ऑन करने के लिए, डायोड ऑन करने के लिए क्या किया था आपने, यस फॉरवर्ड बायस किया तो डायोड ऑन होता है। अभी दो मेथड्स बता दिया एसीआर को ऑन करने के लिए, क्या क्या था, फॉरवर्ड वोल्टेज डाउन ट्रिगरिंग, नेक्स्ट इज गेट ट्रिगरिंग, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम। पिछले तो हमने बताया वो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए, जनरली बहुत कम यूज करता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में गेट ट्रिगरिंग यूज करता है, ओके। सो गेट ट्रिगरिंग में आप देख लीजिए क्या क्या है उसमें, पूरा ऐसा आइटम आप इधर भी है, एनोड पे क्या टर्मिनल देगा आप, पॉजिटिव, कैथोड पे क्या देगा, के पे नेगेटिव। सो क्या हो गया, जैसा हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही आ गया, ओके। सो एनोड इधर है पॉजिटिव पे एंड नेगेटिव पे क्या हो गया, कैथोड, इट इज नोन एज फॉरवर्ड बायस टाइप कंडीशन। एंड गेट में आप क्या देगा, ये गेट में आप देना है पॉजिटिव, सो यू कैन सी द गेट विल बी गिवन पॉजिटिव, ओके। सो दैट इज द डिफरेंस। नाउ गेट आप कोई करंट देता है पॉजिटिव, गेट पे आप कोई पॉजिटिव करंट देता है, वो ही डिफरेंस। इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो गया हम बताएंगे, ये जंक्शन अभी क्या होगा फॉरवर्ड बायस है और J3 भी फॉरवर्ड बायस है, J2 बता दिया वो रिवर्स बायस है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, आपको ये पीक का करंट कंट्रोल कर सकता है। जंक्शन J2 अभी क्या है, रिवर्स बायस है, लेकिन ये गेट पे आपको पॉजिटिव दे सकता है, ओके। सो इधर पॉजिटिव मिले तो क्या होगा, इसका बायस फॉरवर्ड होगा, ठीक है। सो गेट में आप पॉजिटिव दे तो जंक्शन J2 का बायस आपको कंट्रोल कर सकता है, समझ में आया। जंक्शन J1 J3 क्या है, फॉरवर्ड बायस है, गेट नहीं है तो J2 रिवर्स बायस है, लेकिन आपके पास क्या है अभी जंक्शन J3 J2 अभी क्या होता है देखेंगे, गेट में आप पॉजिटिव देता है, गेट में आप पॉजिटिव देता तो दे गया तो मिडिल का P पे अभी पॉजिटिव आता है, तो जंक्शन J2 आपको फॉरवर्ड बायस कर सकता है, ओके। सो वो फॉरवर्ड बायस किसके अनुसार होगा, आप जितना पॉजिटिव गेट पे देता है, ओके समझ में आया, जितना पॉजिटिव आप गेट में देता है उसके अनुसार जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस कर सकता है, ओके। तो इसमें क्या है, एनोड में पॉजिटिव दे दिया, कैथोड में नेगेटिव दे दिया, J1 J3 फॉरवर्ड बायस ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा अभी है J2 रिवर्स बायस है, लेकिन आप गेट में पॉजिटिव दे तो क्या होगा, पॉजिटिव गेट का मटेरियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव सप्लाई मिलता है, ओके। तो क्या होगा, J2 अभी मिलेगा फॉरवर्ड बायसिंग। ये फॉरवर्ड बायसिंग का स्ट्रेंथ किससे संबंध होगा, इट विल बी रिलेटेड टू द गेट पॉजिटिवनेस, द मोर पॉजिटिव करंट इट बी मोर फॉरवर्ड बायस्ड, ओके। जंक्शन J2 का बायस कंट्रोल अभी आपके पास है, जंक्शन J2 का बायस कंट्रोल अभी आपके पास है, गेट का करंट ज्यादा हो गया तो ज्यादा फॉरवर्ड होगा, गेट का करंट कम हो गया तो कम फॉरवर्ड होगा। तो क्या कर सकता है, आपको ये गेट पे प्रॉपर गेट कंट्रोल करके आपको ये स्विच ऑन कर सकता है,
ये स्विच डायरेक्टली नहीं ऑन होता है क्यों? J2 रिवर्स बायस है। अभी जंक्शन J2 आपके पास है कंट्रोल, ये गेट पे ज्यादा पॉजिटिव दे दीजिए, उसका कंट्रोल अच्छा होगा और J2 फॉरवर्ड बायस होगा और स्विच ऑन होगा। ओके, ये मेथड को बताता है क्या? गेट ट्रिगरिंग। तो ये SCR एक स्विच जैसा है, SCR जैसा है किसका? एक स्विच जैसा है। स्विच कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, कौन डिसाइड करेगा? अभी गेट, गेट में जितना ज्यादा पॉजिटिव करंट है ज्यादा आसान से वो कंट्रोल पूरा कंडक्टिंग होगा। गेट में कम करंट है तो कुछ वोल्टेज के बाद वो कंडक्ट होगा, उसके देखेंगे अभी। ओके, ये बता दिया हमने। तो गेट करंट क्या इफेक्ट है देखेंगे, गेट करंट का इफेक्ट देखेंगे अभी। ये पहला गेट करंट IG0, सोचो कोई गेट करंट नहीं, गेट ओपन है, सोचो गेट करंट अभी ओपन है तो क्या क्या होगा? ब्रेक और वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा। ओके, अभी मैं क्या करता है, गेट वन में, गेट में कुछ करंट देता है, गेट में कुछ करंट देता है IG1, गेट में क्या देता है? पॉजिटिव करंट कुछ देता है। अभी क्या होता है, IG1 सॉरी इट इज नॉट दिस वन, इट विल बी ग्रेटर देन IG0, आई विल जस्ट राइज इट। ओके, सो IG1 कैसे होगा, वो ज्यादा होगा। ओके, IG1 तो क्या है, गेट करंट है, IG1 गेट करंट है, IG0 से ज्यादा है, गेट का करंट पॉजिटिव करंट हम ज्यादा बन गया, वी आर मेकिंग द गेट करंट मोर पॉजिटिव। ओके, सो व्हाट हैपेंस, द वोल्टेज इज कमिंग डाउन, द वोल्टेज इज कमिंग डाउन, सो इट विल बी स्विचिंग ऑन एट लेसर वोल्टेज। लेसर वोल्टेज मतलब क्या है, सोचो गेट करंट कम हो गया तो ये 600 वोल्ट में स्विच ऑन होता है, गेट करंट कम है तो, जीरो करंट है तो 600 वोल्ट में ऑन होता है। गेट करंट कुछ दे दिया, अभी क्या होता है, वो 500 वोल्ट में स्विच ऑन होगा, 500 वोल्ट में ही स्विच ऑन होगा। ओके, गेट करंट और भी बढ़ता है हम, अभी क्या होगा, मे बी 500 से 400 होगा, 400 एग्जाम्पल के लिए बताता है। सो गेट करंट और भी बढ़ाता है, और भी बड़ा बनाता है, सो गेट करंट और भी बड़ा बन दिया, वोल्टेज फिर भी कम होता है, मे बी 300। सो एग्जाम्पल बताए तो गेट करंट IG0 कम है, IG1 ज्यादा है, और भी ज्यादा है IG2, और भी ज्यादा है IG3। तो गेट में ज्यादा पॉजिटिव आप दे तो ज्यादा ऑन करने का मेथड हमको बना सकता है। सो हमारे पास है अभी कंट्रोल किसका, स्विच ऑन करने का। अभी प्रैक्टिकल में भी बता दो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ये गेट ट्रिगरिंग के लिए बताने तो ये ज्यादा थियरी है, हम फास्ट आएंगे, इतना आवश्यकता नहीं है। PNPN हमारा 4 लेयर है, जंक्शन J1 J2 J3 है, उसको दो ट्रांसिस्टर से भी संबद्ध कर सकता है, दो ट्रांसिस्टर में भी, ये 2 ट्रांसिस्टर मॉडल बताता है SCR को। हमारे पास एक ही SCR है, लेकिन एक ही SCR दो ट्रांसिस्टर जैसा वर्क करता है बताता है। ओके, सो जस्ट थियरी के लिए बताता है, सोचो ये वाला हमारा 2 ट्रांसिस्टर, ये पहले कंडीशन में कोई करंट है, दूसरा कंडीशन में गेट में कुछ सप्लाई मिला एक ट्रांसिस्टर में, दूसरा ट्रांसिस्टर भी बेस में आ गया, सो क्या होगा, दोनों ट्रांसिस्टर ऑन होगा। अभी गेट में कोई करंट नहीं तो भी, 5 में आप देख सकते, गेट में कोई करंट नहीं है तो भी ये SCR चालू होगा। ओके, पहला ट्रांसिस्टर में कोई गेट में करंट नहीं है, गेट में करंट दिया तो दो ट्रांसिस्टर बराबर ऑन होगा। ओके, सो इट इज जस्ट फॉर इंडिकेशन, विल गो नाउ। सोचो एक प्रैक्टिकली क्या होता है देखेंगे, प्रैक्टिकली SCR में क्या होता है हम बताएंगे। ओके, अब देख लीजिए इसमें क्या क्या है, इसमें एक स्विच है, लेफ्ट साइड में एक स्विच है वो ओपन है, और एक रेसिस्टर है, ये है क्या, गेट, आप देख सकता है एक गेट और एनोड एंड कैथोड। गेट में सप्लाई मिला तो क्या होगा, SCR ऑन होगा। ओके, गेट में सप्लाई मिला तो SCR ऑन होगा। तो क्या करता है इधर, ये स्विच पहला क्लोज करता है, क्लोज किए तो क्या होगा, गेट को फायरिंग मिलेगा, गेट को फायरिंग मिलेगा, जब गेट को फायरिंग मिलता है लाइट ऑन होगा। ओके, सो ये प्रैक्टिकली ऐसा करता है SCR को टर्न ऑन करने के लिए, SCR को टर्न ऑन करने के लिए ये गेट को फायरिंग देता है। ओके, अब पिक्चर में क्या देता है, ये DC सप्लाई है 9 वोल्ट का, और एक लाइट जलाना है हमको, वी वांट टू लाइट अप ए बल्ब, एंड देयर इज ए SCR इन सीरीज विद द बल्ब,
एंड द गेट इज कंट्रोल्ड बाय ए स्विच. ओके, गेट को क्या मिलेगा? पॉजिटिव 9. अपर बस से पॉजिटिव 9 मिलेगा रेसिस्टर वाया गेट को. नीचे बस बार क्या है? वो 0 वोल्ट है. सो प्लस 9 वोल्ट भी है, माइनस 0 वोल्ट भी है नीचे. सो हमको क्या करना है इस पिक्चर में? एससीआर को टर्न ऑन करना है. कैसे टर्न ऑन करें? पीटीएम स्विच 1 को क्लोज करेंगे, उसी समय गेट को सप्लाई मिलेंगे, एससीआर टर्न ऑन होंगे. एससीआर कंडक्ट करेगा तो क्या होगा? लाइट ऑन होगा. ओके, लाइट ऑन होगा. एक और बार बताते हैं, लेफ्ट साइड का स्विच आप क्लोज किए तो रेसिस्टर वाया गेट को सप्लाई मिलेगा, गेट को सप्लाई मिलेगा तो क्या होगा? लाइट जलाएगा, एसीआर टर्न ऑन होगा, एसीआर टर्न ऑन होगा. अभी ये टर्न ऑफ करने के लिए क्या करना है? तो एसीआर का पैरेलल एक स्विच है, वो क्लोज किए तो एसीआर शॉर्ट होगा. ओके, ये प्रेस स्विच है, एक बार दबाया तो वो वापस आएगा, वापस आएगा तो एसीआर भी ऑफ होगा और स्विच 2 भी ऑफ होगा, तो बल्ब क्लोज ऑफ होगा. ओके, तो ये बताना है गेट ट्रिगरिंग डीसी में कैसा काम करता है. और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताना है, एक बार गेट ट्रिगरिंग मिल गया, तो गेट का कोई कंट्रोल नहीं है एसीआर में. ओके, क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है. एक बार गेट में ट्रिगरिंग मिल गया तो एसीआर ऑन होगा. फिर एसीआर ट्रिगरिंग कैंसिल किए तो भी एसीआर ऑन ही रहेगा. ओके, हम देखेंगे एक पिक्चर. अभी देखो, एक 100 रेसिस्टर है गेट सर्क्यूट में, 100 रेसिस्टर लोड में भी है. आप देख सकते हैं एक स्विच एसीआर सर्क्यूट में, अभी लोड स्विच क्लोज दिया लोड सर्क्यूट में और गेट ट्रिगर किया तो सर्क्यूट चालू होता है. गेट ऑफ कर दिया तो भी कोई इफेक्ट नहीं है, ये चालू करता है. सर्किट को ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे का स्विच ओपन करना पड़ेगा, स्विच नीचे का ओपन करना. अभी स्विच ऑन करना, गेट से करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है तो ऐसा होता है. ओके, सो दिस इज ए 5 वोल्ट सर्क्यूट, इट इज एनिमेटेड. ओके, सो दिस इज इन डीसी. 2 स्विचेस आर ओपन, व्हेन द बॉटम स्विच इज क्लोज्ड नो करंट इज फ्लोइंग, एंड when bottom switch is closed there is no current, and gate only switch is closed no current. When bottom switch and gate both are closed the circuit, the current will flow. Even the gate is open still the current flows. Okay, ye hota hai circuit mein. Okay, abhi hum to dc mein kaam karna bataya. Okay, to scr dc mein kaam karta hai, equally important mein ac mein kaam karna. डीसी में एक स्विच जैसा करता है, डीसी में एक स्विच जैसा. गेट में सप्लाई मिले तो ऑन होगा, अभी लेकिन वो ही नहीं उसका मेन यूसेज. एसीआर का यूसेज एसी में है, वो बताना है अभी. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एसीआर एस ए फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ओके, सो पहले बता दिया आप, अभी तक वो एसीआर डीसी में था, अभी तक अभी से क्या होगा एसीआर एसी में कैसे काम करता है. द पिक्चर यू बी एबल टू सी एसी सोर्स, देयर इज ए एसी सोर्स. ओके, देयर इज वन एसी सोर्स, सो फ्रीक्वेंसी विल बी देयर एसी सोर्स. व्हाट इज दिस? दिस इज ए लोड, ए लोड है, और दिस इज आवर एसीआर. एनोड है, कैथोड है, एंड गेट है. गेट, गेट पे क्या होगा? गेट ट्रिगर सर्क्यूट, ओके, हम देखेंगे इसमें क्या क्या होता है उसको बता देंगे. क्या? एसीआर एस फेज कंट्रोल. ओके, यही बड़ा यूज एसीआर का. ये सर्क्यूट के बारे में अगला स्लाइड में ज्यादा बताएंगे. ओके, तो ये सर्क्यूट इधर भी देख लिया, जो सर्क्यूट पहला बता दिया वही इधर. ओके, सो इधर तो क्या है? ये लोड है, एसीआर को ट्रिगर मिले तो क्या होगा? एसीआर ऑन होगा. ठीक है, एसीआर ऑन होगा. जो देखेंगे हम, ये एनोड सप्लाई वोल्टेज, ये क्या है? एनोड में आने वाला वोल्टेज वो क्या है? वो इनपुट एसी ही है, तो एनोड इधर है, ये एनोड में आने वाला वोल्टेज है, देता है फर्स्ट वेव शेप में, बताएंगे अभी. अभी आप देख सकते हैं ये है एनोड, में मिलने वाला साइन वेव, एसी है तो साइन वेव मिलेगा, है क्या? तो इधर ये वोल्टेज मिलेगा, सो इनपुट वोल्टेज साइन वेव है. ओके, अभी हम अगला ग्राफ देखेंगे, उसमें क्या है? एनोड टू कैथोड वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज
अक्रॉस एससीआर, एससीआर के अक्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा वो बताता है इधर, एनोड टू कैथोड वोल्टेज. ओके, सो दिस इज एनोड टू कैथोड वोल्टेज. अभी क्या होता है, तो अभी हमारा साइकिल मूव करता है, लेकिन इसी जगह में क्या कर दिया आपने, फायरिंग कर दिया, ट्रिगर कर दिया, ये ट्रिगर्ड. ओके, ये ट्रिगर सर्किट बताया ना, इसी पोजीशन में गेट ट्रिगरिंग दे दिया. गेट ट्रिगरिंग दे दिया तो क्या होगा, एससीआर ऑन होगा. एससीआर ऑन हो गया तो क्या होगा, उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं रहेगा. अब देख सकता है वोल्टेज सडनली कम हो गया, बहुत कम हो गया, क्योंकि एससीआर अभी टर्न ऑन हो गया. अभी हम किसके बारे में बताता है, एनोड और कैथोड के वोल्टेज के बारे में. जब फायरिंग मिलता है, इसी पोजीशन में फायरिंग मिलता है, तो गेट ट्रिगरिंग इज डन एट दिस पोजीशन, क्या हो गया, एससीआर टर्न ऑन हो गया, तो क्या होगा, उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं रहेगा. ये स्विच अभी हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्विच. ओके, एससीआर अभी भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच. एससीआर अभी कंडक्ट करना है, इतना ही. एससीआर जब एसी ट्रिगरिंग मिल गया, एससीआर ऑन होगा. ओके, वो है प्रैक्टिकल पर्पस, क्या हो गया, एससीआर में थ्री टर्मिनल्स है, एनोड कैथोड गेट. एनोड और कैथोड में वोल्टेज दे दिया है, लेकिन वो कंडक्ट नहीं करता है, वो कंडक्ट करेगा जब गेट में सप्लाई मिलता है. अभी मिडिल पिक्चर में ये पोजीशन में गेट में सप्लाई मिलता है, अभी कंडक्शन चालू करता है, तो क्या हो गया, ये स्विच के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होता है. ये पूरा वोल्टेज अभी किधर जाया, किधर गया है, ये पूरा वोल्टेज अभी लोड के अक्रॉस गया. ओके, अब देख सकता है जब ट्रिगरिंग मिल गया, लोड को बाकी वोल्टेज मिलता है. ओके, सो ये एरिया में जो वोल्टेज था वो लोड पे नहीं आता है, बाकी सब वोल्टेज लोड को आता है. ओके, तो ये हो गया फेज कंट्रोल रेक्टिफायर. तो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का एडवांस ये सर्क्यूट नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा. अभी हमारा रेक्टिफायर डायोड में हाफ साइकिल मिलता है, क्या हाफ साइकिल, रेक्टिफायर डायोड में हाफ साइकिल मिलता है. एससीआर में आपको क्या कर सकता है, तो गेट कंट्रोल करके ये हाफ साइकिल का कितना पार्ट चालू करना है, हाफ साइकिल का कितना पार्ट चालू करना है वो कंट्रोल कर सकता है. क्या है, रेक्टिफायर ही है, रेक्टिफायर तो नेगेटिव नहीं मिलेगा, रेक्टिफायर है तो नेगेटिव नहीं मिलेगा. डायोड जैसा एससीआर में नेगेटिव नहीं मिलेगा, पॉजिटिव साइकिल ही मिलेगा. लेकिन पॉजिटिव साइकिल का कितना भाग आपको चाहता है वो हमको कंट्रोल कर सकता है, किसके मदद से, गेट में सप्लाई देके. ओके, तो ये हो गया फेज कंट्रोल रेक्टिफायर. क्या हो गया, ये रेक्टिफायर है लेकिन क्या कर सकता है, पॉजिटिव सेक्शन में हमको फेज, फेज तो एंगल, एंगल कंडक्ट कितना कंडक्ट कर सकता है देख सकते, नीचे ट्रिगरिंग लेता है. ओके, ये पिक्चर में क्या है, पल्सेटिंग डीसी में, ये नॉर्मल प्योर डीसी में नहीं है, ये रेक्टिफाइड आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी में काम करता है. पल्सेटिंग डीसी का फिगर है जो पिक्चर में आप देखता है अभी, उसका ऊपर में क्या है, हाफ साइकिल मिलेगा आपको. नॉर्मल डायोड है तो पूरा हाफ साइकिल मिलेगा. ओके, नॉर्मल डायोड है तो आपको पूरा हाफ साइकिल मिलेगा, लेकिन ये एससीआर है, एससीआर में ट्रिगरिंग वोल्टेज है नीचे ब्लू, ट्रिगरिंग वोल्टेज है नीचे का ब्लू, ये नीचे का ब्लू वैरी करके किसी पोजीशन में जीरो एंगल में, 90 एंगल में, 180 एंगल में देख सकता है. उसके अनुसार क्या होगा, ये हाफ साइकिल में कितना भाग आपको चाहिए वो ले सकता है. सो ये है फेज कंट्रोल. सो रेक्टिफायर का मेजर डिफरेंस है नॉर्मल डायोड से, एससीआर का डिफरेंस ये बन गया, आपको ये कंट्रोल कर सकता है कितना भाग कंट्रोल करना है. तो उसका फायदा क्या है, वो फायदा क्या है अभी बताएंगे. देखो ये है हो गया जो पिक्चर बाद में देख लिया. ओके, ये पूरा एक साइकिल में कितना डिग्री होगा, पूरा एक साइकिल में 360 डिग्री होगा, है क्या 360, तो हाफ साइकिल में कितना होगा 180. ओके, पूरा साइकिल में 360 है, हाफ साइकिल में 180 होगा. ओके, तो 180 पूरा कंडक्ट करता है पहला पिक्चर में, ट्रिगरिंग फर्स्ट ही मिला. सो ट्रिगर वोल्टेज 0 डिग्री में ही मिला. ओके, ट्रिगरिंग वोल्टेज 0 डिग्री से मिला तो क्या होगा, पूरा हाफ साइकिल फ्लो होता है, पूरा हाफ साइकिल फ्लो होता है. दूसरा पिक्चर में है क्या, ट्रिगरिंग वोल्टेज 45 डिग्री में मिला. ओके, ट्रिगरिंग वोल्टेज
45 डिग्री में मिला तो क्या हो गया, 45 डिग्री से आगे कंडक्ट करता है, 45 डिग्री तक करंट नहीं है, 45 डिग्री से लेके करंट आता है, ओके। यह है गेज ट्रिगरिंग, गेज ट्रिगरिंग इन 45 डिग्री, ओके। ये 45 डिग्री कैसे आ गया आपको जान गया, एक पूरा साइकिल में 360 है, हाफ साइकिल बार आए तो 180 है, सो 0 से 180 तक आपको कंट्रोल कर सकता है। लेफ्ट साइड में जो पिक्चर बताया 0 है, नेक्स्ट 45 बताया, नेक्स्ट है 90, तीसरा पिक्चर आप देखो ये 90 डिग्री पे कंट्रोल करता है, 90 डिग्री के आने के समय हम क्या करता है, ट्रिगर देता है, ट्रिगर दे दिया तो 90 से वापस, 90 से आगे पूरा क्वार्टर वेव आपको मिलता है, ओके। अगला कंडीशन में क्या होता है, 180 डिग्री से 120 डिग्री में हम ट्रिगरिंग दे दिया, 120 में आप ट्रिगरिंग दे दिया तो क्या हो गया, 120 से आगे हम कंडक्शन मिलेगा। तो ये एडवांटेज क्या है, हमको ये हाफ साइकिल का कितना भाग अपना एससीआर में कंडक्ट करना है वो कंट्रोल कर सकता है। तो एडवांटेज क्या है हमको लेफ्ट साइड में, अब अभी पावर के बारे में बताएंगे हम, पावर पावर के बारे में सोचो, ये पूरा हाफ साइकिल मिले तो मैक्सिमम पावर लोड को मिलता है, लेकिन इसका 45 डिग्री से आगे तो पावर कम होता है, पावर कम होता है, तो 90 डिग्री से तो पावर फिर भी कम होगा क्योंकि करंट कुछ देर की है, ओके, तो पावर कम होता है। और सोचो 120 डिग्री से भी कम हो गया तो बहुत पावर कम होता है, तो पावर कंट्रोल कर सकता है। सो एससीआर ऐसे तरह आप कंट्रोल किए तो सोचो, एक डीसी मोटर को कंट्रोल किए तो उसका स्पीड हमको वेरी कर सकता है, स्पीड वेरी कर सकता है क्योंकि ये करंट कम होगा, जीरो मिले तो फोर हाफ साइकिल मिलेगा, लेकिन 120 डिग्री से मिले तो बहुत कम करंट ही मिलेगा एक साइकिल में, तो टोटल पावर कम होगा, टोटल पावर कम हो गया तो क्या होगा, टोटल स्पीड ऑफ द मशीन विल बी लेस, तो क्या होगा, ऐसा कंट्रोल किए तो आपका लोड लाइट है तो, लोड लाइट है तो वो डिम होगा, लोड लाइट है तो वो डिम होगा, लोड मोटर है तो उसका स्पीड कम होगा, तो क्या बताता है, तो हमारा पावर कंट्रोल कर सकता है, एससीआर के मदद से पावर कंट्रोल कर सकता है, ओके। ये हो गया ट्रिगर के अनुसार हम वेव शेप कंट्रोल कर सकते, वेव का कितना भाग कंट्रोल कर सकता है। समझ में नहीं आए तो ये जानकारी आसान से बता सकता है, आप एससीआर देखता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक वेव शेप है, ओके। राइट साइड में गेट का एक रेसिस्टेंस है, राइट साइड में गेट सर्क्यूट का एक रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस हम वेरी करता है, ओके। अब देखता है अभी गेट मिनिमम करता है, मिनिमम करता है, अभी मिनिमम जाता है, जब मिनिमम आ गया तो आप देखना वेव शेप लेफ्ट साइड में, अभी मिनिमम आ गया आप देख सकता है वेव शेप पूरा हाफ साइकिल मिलता है, पूरा हाफ साइकिल लोड को मिलता है। अभी हम क्या करेंगे, अभी बढ़ेंगे, अब देखो राइट साइड पे हमारा रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, रेसिस्टेंस इंक्रीज करके करके मैक्सिमम चलता है, देखना लेफ्ट साइड पे वेव शेप का कुछ भाग काट करता है, ये काट इंक्रीज करता है जितना रेसिस्टेंस है, मैक्सिमम रेसिस्टेंस अभी आता है, जब मैक्सिमम रेसिस्टेंस आ गया ऑलमोस्ट हाफ द पार्ट ऑफ साइकिल इज कट, हाफ द पार्ट ऑफ साइकिल इज कट, ओके। एक बार और देखेंगे, रेसिस्टेंस अभी मैक्सिमम है, रेसिस्टेंस अभी मिनिमम करेंगे जाता है, रेजिस्टेंस कम करता है, रेजिस्टेंस कम करे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पिक्चर में उसका कंडक्शन कम करेंगे, अभी रेजिस्टेंस हम मिनिमम करता है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम से मिनिमम करता है, अभी देखेंगे लेफ्ट साइड पे वेव शेप वो कम कम करके आता है, ठीक है। सो आपको गेज का कंट्रोल, करंट कंट्रोल करके लोड का पावर कंट्रोल कर सकता है, तो अच्छा क्या है, फायदा क्या है इसमें, फायदा ये है आप कोई पावर वेस्ट नहीं करता है, आप कोई पावर वेस्टेज नहीं करेगा। सोचो आप कोई सीलिंग फैन का स्पीड कंट्रोल करना था, पहले पुराने के समय का रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस लेके ड्रॉप कर दिया था पावर, ऐसा ये रेजिस्टेंस के बदले ये एससीआर यूज किए तो क्या होगा, हम गेट ट्रिगरिंग के मदद से जितना पावर चाहिए वो ही दे सकता है, कोई पावर वेस्ट नहीं करना है, पावर नहीं वेस्ट किया तो क्या होगा, एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगा, ओके। तो हम देखता है अभी नॉर्मल एज ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर्स वगैरह उसमें कोई हीट बहुत कम है, साइज भी कम हो गया, क्यों, हीट नहीं है तो साइज कम कर सकता है, एफिशिएंसी बढ़ेगा, ओके। सो बाय कंट्रोलिंग द गेट कंट्रोल बाय पोटेंशियोमीटर,
बाई कंट्रोलिंग द पोटेंशियोमीटर, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट साइड पे आप देखता है वेरिएबल रेजिस्टेंस चेंज करके आपको वेव शेप कंट्रोल कर सकता है. ओके, अभी एससीआर टेस्टिंग के बारे में कुछ बताएंगे. एससीआर टेस्टिंग, आपको एक एससीआर मिल गया. ओके, अब वो क्या करना है, वो टेस्ट करने के लिए एससीआर डायोड कैसे टेस्ट करेगा आप. डायोड, डायोड टेस्ट करने के लिए ये आसान था, वो आसान से कर सकता था. डायोड फॉरवर्ड बायस तो कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस तो नहीं कंडक्ट करेगा. अभी एससीआर टेस्ट करने के लिए ये है, हमारे पास एक मल्टीमीटर ओमीटर है, सोचो वो पॉजिटिव टू एनोड नेगेटिव टू कैथोड दे दिया तो वो इन्फिनिट रेसिस्टेंस देगा. ठीक है, गेट में कोई सप्लाई नहीं दे दिया तो वो कंडक्ट नहीं करेगा. गेट में कोई सप्लाई नहीं दिया तो वो कंडक्ट नहीं करेगा. ओके, सो टू टेस्ट दैट हम क्या करता है, तो गेट पॉजिटिव से जस्ट टच करेगा. गेट क्या करेगा, पॉजिटिव से जस्ट टच करेगा तो क्या होगा, गेट चालू होगा एंड द मल्टीमीटर विल बी शोइंग ए स्मॉल रेसिस्टेंस. पहले गेट के बिना मैक्सिमम इन्फिनिट रेसिस्टेंस दे दिया था, जब गेट एंड पॉजिटिव शॉर्ट किया उसका रेसिस्टेंस कम होता है, जनरली 30-40 ohms, बहुत कम ohms देता है. ये एससीआर में ये प्रॉब्लम होने वाला, ओपन होगा, ओपन होगा तो ये नहीं वर्क करेगा, नहीं तो शॉर्ट हो गया तो पहले दिखाएगा. ओके, सो ये होता है एससीआर का टेस्टिंग. ओके, नाउ आई होप यू आर ऑलमोस्ट क्लियर अबाउट एससीआर टेस्टिंग. सो एससीआर का प्रैक्टिकल यूसेज ये है, वो फेस कंट्रोल के लिए, ये ही मेन सर्क्यूट एससीआर का. सो एससीआर क्या है, एससीआर तो एक फोर लेयर डिवाइस है, फोर लेयर डिवाइस है. कितना टर्मिनल्स है उसमें, यस 3 terminals. गेट का इंपॉर्टेंट है, गेट कंट्रोल करके उसका वेव कितना भाग जाना है हमको कंट्रोल कर सकता है. सो इसको बताएगा एससीआर एस फेस कंट्रोल रेक्टिफायर. अभी आपको जानकारी है सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर बताता है उसका मतलब क्या है. कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों कंट्रोल रेक्टिफायर बताता है, ये रेक्टिफायर ही है क्योंकि हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल पूरा कट होता है. सो रेक्टिफायर हो गया. ठीक है, हम तो एसी इनपुट दे दिया, नेगेटिव हाफ साइकिल रेक्टिफाई कर दिया और निकाल दिया, ऐसा हो गया रेक्टिफायर. ये कंट्रोल तो क्या है, कंट्रोल रेक्टिफायर. कंट्रोल रेक्टिफायर आप देखता है हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल का कितना पार्ट कंडक्ट करना है वो हमको कंट्रोल कर सकता है किसके मदद से, गेज के मदद से. ओके, सो गेट के मदद से आप फेस कंट्रोल रेक्टिफायर बनाता है, वो ही सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर. उसका ऑफ करना आसान से नहीं कर सकता. ओके, ऑफ करना नहीं कर सकता. सो जर्मेनियम नहीं यूज करता है ये कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए. सो हो गया एससीआर एस सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर. ओके, सो दिस वाज द मेन यूसेस. आई होप यू आर क्लियर. I didn't get much doubts also. Okay, so there is a practical circuit also. You will be getting a PPT here. PPT SCR class bit.ly/SCR class. जब देखे तो आपको ये class में PPT मिलेगा bit.ly/SCR class without any spaces. And the video will be available at bit.ly/YouTube Nimi. You can search it. And जो आपने देखा ये सर्क्यूट के लिए, वो एक सॉफ्टवेयर था सर्क्यूट जेएस नाम का, की गूगल से आप सर्च किए तो वो मिलेगा आपको. सर्क्यूट जेएस सर्च किए तो आपको बड़ा सिमुलेशन कर सकता है एससीआर का भी, लैपटॉप और मोबाइल में भी एप्लीकेशन कर सकता है. ओके, सो ये मीटिंग आईडी आप देख सकता है. मे बी इफ यू आर हैविंग फर्दर डाउट आई बी हैविंग